नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन आईटी शेयर के बारे में, जो कि आपको एक बेहतरीन रिटर्न दे सकता है आने वाले समय में। जैसा कि आपने विप्रो को देखा, विप्रो आपको कितना बेहतरीन रिटर्न दिया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे। अगर आप वैसे ही रिटर्न की आशा करते हैं तो आप इन कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब भी आपको गिरावट मिलता है तो गिरावट में जब मिले तो आप इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल नई कंपनी है और जो कंपनी है काफी स्ट्रांग है, फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, टेक्निकली काफी स्ट्रांग है। टेक्निकल चार्ट पे हम शॉर्ट में बात करेंगे, यहां पर लेवल्स और टारगेट की हम बात नहीं कर रहे, सिर्फ टेक्निकल चार्ट पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए वन मंथ में कंपनी जो है न्यूट्रल है, कोई मूवमेंटम खास नहीं है। सिक्स मंथ में देखिए कंपनी का शेयर प्राइस लगातार अप है, देख सकते हैं। मतलब चार्ट आपको ये सॉलिड चार्ट देखे अप ट्रेंड में, वैसी ही कंपनियों में आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करनी चाहिए जब गिरावट मिलता है। जैसे यहां पर आपको गिरावट में, पेंडेमिक में गिरावट में यह शेयर मिल रहा था। पहले यह शेयर 2000 रुपीज का था और गिरावट में यह शेयर मात्र आपको 1300 के प्राइस पर मिल रहा था। वहीं 5 ईयर्स में बात करें तो देख लीजिए 5 ईयर्स में कितना बेहतर रिटर्न है, 378% का, मात्र 700 रुपीज का स्टॉक हुआ करता और अभी पहुंच चुका है 3348 रुपीज का। तो देख सकते हैं कि 5 ईयर्स में काफी बेहतरीन रिटर्न है और ये कंपनी 2016 में ही लिस्ट हुई है स्टॉक मार्केट में, तो अभी मात्र 4 साल हुआ है। और कभी भी गिरावट में मिलता है तो आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, काफी बेहतरीन कंपनी है और काफी अच्छी कंपनी है आईटी सेक्टर की और 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है आईटी सेक्टर की। तो समझ सकते हैं दोस्तों कितना बेहतरीन कंपनी है और इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो लार्सन एंड टूब्रो कंपनी है। तो इसका प्रमोटर्स भी काफी बेहतरीन है, मतलब जो पेरेंट कंपनी है वो भी काफी सॉलिड कंपनी है। लार्सन एंड टूब्रो के बाद आप जानते ही हैं कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि काफी बेहतरीन है और काफी अच्छे सारे डील्स लेकर के आती रहती है, काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट वो बिन करती है। ऐसी कंपनियां इसकी पेरेंट कंपनी है। तो दोस्तों इसका फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें, टेक्निकल चार्ट पर कुछ खास नहीं है जो हम इसके जीरोधा के चार्ट पर डिस्कस करें। और जीरोधा में अभी तक अकाउंट आपने ओपन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप जीरोधा में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चार्ट यहां पर आप देख रहे हैं कि मात्र 4 साल हुआ है, 4 साल का चार्ट काफी सॉलिड है। थोड़ा सा यहां पर चार्ट में वीकनेस आया था, यहां पर देखते हैं थोड़ा सा गिरावट आया था और यहां पर यह कंपनी 2000 रुपए शेयर प्राइस से गिर करके मतलब 1300 पे आ चुका था। और यहां पर जो है काफी समय तक देख सकते हैं 2018 के अगस्त से ये 2020 के मार्च तक शेयर प्राइस में कोई मूवमेंटम खास नहीं था, उसके बाद जबरदस्त रैली देखने मिला है आईटी सेक्टर के सारे स्टॉक में। तो दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो सबसे पहले हम वैल्यूएशन पर क्लिक करते हैं। वैल्यूएशन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो इसका जो मार्केट कैप है 23,000 करोड़ है और काफी अच्छी कंपनी है, मतलब एक मिड कैप कंपनी है। तो आपको अगर ग्रोथ चाहिए, लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न चाहिए, तो आपको मिड कैप कंपनी और स्मॉल कैप कंपनी में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और वैसी कंपनियां जो बिल्कुल सॉलिड हो, फंडामेंटली काफी स्ट्रांग हो, डेट फ्री कंपनी हो, बिल्कुल कंपनी के ऊपर डेट नहीं होनी चाहिए। जब कंपनी के ऊपर डेट काफी मामूली है, छोटा मोटा डेट है या डेट फ्री कंपनी है तो आप उसमें इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म में काफी बेहतरीन रिटर्न आपको मिलेगा। डिविडेंड परसेंट देख लीजिए 1050%, जैसा कि आईटी कंपनी के आप जानते हैं कि काफी अच्छा डिविडेंड पे करती है आईटी कंपनियां। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.95% का देख सकते हैं डिविडेंड यील्ड है। अर्निंग पर शेयर 64 रुपीज का है। कॉर्पोरेट टैक्स पे चलते हैं तो कॉर्पोरेट टैक्स पे हम देखेंगे कंपनी कब कब डिविडेंड पे की है, साल में कितनी बार पे की है। तो 2020 में देखिए 2 बार, 2019 2 बार और लगभग 1000% का डिविडेंड कंपनी पे कर रही है। बोनस की बात करें तो अभी तक कंपनी ने कभी भी बोनस शेयर नहीं दिया है, ना तो स्टॉक स्प्लिट हुआ है क्योंकि 4 साल ही स्टॉक का लिस्ट होना हुआ स्टॉक एक्सचेंज में। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटर्स के पास है 24.62%, जो मैक्सिमम प्रमोटर्स के पास रह सकता है 75%, लगभग अप्रॉक्स 75% के आसपास ही है। FIs के पास है हमारा 8.37%, FIs देख सकते हैं लगातार स्टेक यहाँ पर बढ़ाया है पिछले मतलब साल की तुलना में। और DIs के पास है 9.97%, DIs भी अपना स्टेक बढ़ाया पिछले साल की तुलना में। अदर्स के पास है 7.04%, तो जो पब्लिक शेयर होल्डर है, जो रिटेल इन्वेस्टर का होल्डिंग है, देख सकते हैं यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। तो ऐसी बेहतरीन कंपनियों में जो है लगातार FIs DIs देख सकते हैं अच्छी होल्डिंग अपना मतलब रखता है, अपना होल्डिंग भी बढ़ाया है। वही कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी काफी जबरदस्त है। सेल्स की बात करें तो हर देख सकते हैं हर क्वार्टर सेल्स लगभग इंक्रीज हुआ है। थोड़ा सा यहाँ जून क्वार्टर में पैंडमिक के कारण गिरावट आया, सेप्टेम्बर क्वार्टर में गिरावट आया, प्रॉफिट में थोड़ा सा पिछले 2 क्वार्टर में गिरावट
गिरावट आया है, जो कंपनी का बिजनेस है थोड़ा सा प्रभावित रहा है। अब वहीं बात करें हम ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो ईयर ऑन बेसिस देखते हैं सेल्स लगातार इंक्रीज हुआ है। 16 में था मात्र 3000 करोड़ का, जो कि सेल्स इंक्रीज होकर के हो गया 5000 करोड़, और कंपनी का प्रॉफिट 418 करोड़ से बढ़ के हो गया 822 करोड़, मतलब लगभग दोगुना हो गया प्रॉफिट। देखते हैं सेल्स दोगुना हुआ भी नहीं, प्रॉफिट दोगुना हो गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा मार्जिन मतलब यहाँ पर कंपनी को मिल रहा है, मतलब मार्जिन जो है प्रॉफिट का मार्जिन काफ़ी अच्छा है। वही कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी का बैलेंस शीट भी काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी सॉलिड है। इक्विटी शेयर कैपिटल जो है, इक्विटी शेयर कैपिटल 20.90 करोड़ है, 20.90 करोड़ का इक्विटी शेयर कैपिटल है कंपनी के पास। रिजर्व सरप्लस है 2700 करोड़ का कंपनी के पास। वहीं माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो कंपनी पे करती है 6.90 करोड़ पर, और लॉन्ग टर्म बोर्डिंग की बात करें तो लॉन्ग टर्म बोर्डिंग जो है कंपनी के पास जीरो है, मतलब कंपनी के पास कोई भी लॉन्ग टर्म बोर्डिंग नहीं है। वहीं बात करें नीचे चलते हैं, कैश और कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 243 करोड़ का कैश और कैश इक्विवेलेंट है कंपनी के पास, तो ये लगातार इंक्रीज हुआ है। तो सारा पैरामीटर्स जो कंपनी का काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कंपनी में ज़रूर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्ट करें। उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर के साथ जुड़ सकते हैं, जिसे मैं पर्सनली खुद यूज करता हूं, और आपको वही रिकमेंड करता हूं जिसे मैं पर्सनली यूज करता हूं। काफी अच्छा ब्रोकर है, और आप देख सकते हैं यहां पर कि आपको 0 डिलीवरी चार्जेस लगेगा इंट्राडे में। अगर और फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो 20 रुपीज पर ट्रेड लगेगा, और जो डिलीवरी में आपको ये स्टॉक्स लेते हैं तो आपको कोई चार्ज वहां पर नहीं लगना है, मतलब कोई भी ब्रोकरेज आपको वहां पे नहीं करना पड़ेगा ब्रोकर की तरफ से। तो दोस्तों ये बहुत ही बहुत अच्छा है। अगर आप जीरोधा में अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया तो जरूर ओपन कर ले। साथ साथ बता दें कि यहाँ आप पोजिशनल ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं GTT ऑर्डर के रूप में। तो काफी अच्छा ब्रोकर है, जरूर जुड़िए जीरोधा के साथ।